नमस्कार, TMB न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मेहमान लाई मैमू खुना सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये दिल्ली से। तो हम आज इनसे जानेंगे कि मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में इनका क्या राय है। तो मैम, जो मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहा है उस पर दिल्ली पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, दिल्ली के मैतेई जो कम्युनिटी है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में? अभी जो ये चल रहा है ये पूरा 9 महीना हो गया है, मई 3 तारीख से थे। मई 3 तारीख को जिस किस्म से हुआ है उसके हिसाब से हमने दूसरा दिन मई 4 तारीख को हम मणिपुर भवन में थे और वहाँ हमने मणिपुर भवन के वहाँ एक पॉइंट बनाया था कि जितना भी हमारा जो दिल्ली में रहने वाली परिवार समेत स्टूडेंट लोगों को बुला के हम लोग वहाँ इस किस्म से क्यों हुआ अचानक इस किस्म से बात रखा गया था। मगर तब से लेके अभी तक हम भी वो उसी में ही हैं, उसी आँख में हैं, उसी परेशानी में हैं, कब शांति होगा। तो आपको आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंगली मतलब मणिपुर में क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ये प्राइसेस खत्म हो जाए? मणिपुर से जो कैसे करना चाहिए ये अभी का सिचुएशन नहीं है, ये पुराना एक बीमारी है। ये पुराना जो 10-25-30 साल पहले जो बहुत पुराना अंग्रेजों के टाइम से भी बोल सकते हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि पुराना जो सरकार ने जो व्यवस्था करके गई है उसके हिसाब से आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं यहाँ। तो वो बीज जो बोया गया है ये फल गया फूल गया, उसके बाद हम लोग मैतेई समाज इतना हम लोग जो है ना भोले भाले कह सकते हैं, अच्छे दिन वाले कह सकते हैं। आप सबके सामने 92 का कुकी और नागा का आप सबके सामने है वो लड़ाई जो हुआ था, एक किस्म से मिनी वार था वो एक किस्म से। मगर आंखें खुली तो देर से खुली, अब आंखें खुली है, इतने दिन से आंखें बंद था, 9 महीने से जो हो गया है जल्दी शांति होना चाहिए। मगर आंखें अब खुली तो फिर संभले तो कैसे संभले, ये वाली सिचुएशन है। अभी टाइम लगे, थोड़ा सा समय तो लगेगा, ये मुझे भी पता है, सबको पता है, ये जबान में लाने में अच्छी नहीं लगती मगर सबको पता है कि थोड़ा सा समय और लगेगा। अब जो आने वाला वक्त में जो होगा बहुत अच्छा होगा मणिपुर समाज के लिए। मणिपुर समाज में चिंग तम ये कंपलसरी है, चिंग के बिना तम नहीं रह सकती, तम के बिना चिंग नहीं रह सकती, मगर ये दोनों के लिए आने वाला वक्त में बहुत अच्छा होगा। जो भी है अभी जाग गया है और ये ज़्यादा खून खराबा ना हो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, सेंटर को सोचना चाहिए। उसके लिए हम बस बातचीत करने के लिए आज हम लोग यहाँ मिले हैं। दिल्ली में मणिपुर के कौन कौन से मतलब ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं? ये अभी जो आपके सामने जो कुछ महिलाएं बैठी हुई है, मैं खुद एक नुपी ग्रुप ये 9 महीने से बनी है, व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ हम लोग यहाँ हम लोग पर्सनली हम लोग मिलते भी हैं, दिल्लीवासी भी है इसमें। नुपी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, 300 से ऊपर है, 350 से ऊपर ग्रुप बना हुआ है। ये अचानक जो मणिपुर का सिचुएशन को देखता हुआ और अपने मातृभूमि से प्रेम है वही सब लोग इस ग्रुप के अंदर हैं। तो उसमें पूरा भारतवर्ष से लेके वर्ल्ड से भी महिलाएं जुड़ी हुई है उसके अंदर। आज जो हम लोग जो दिल्ली में, मैं खुद 40 साल के करीब हो गई हूँ दिल्ली में रहने वाली, 25 साल से है, 20 साल से है, 10 साल से है, स्टूडेंट भी है इसके अंदर और उसमें हाउसवाइफ भी है, प्रोफेसर अलग अलग किस्म के, डॉक्टर है और पार्लर का है, मतलब जितना भी जो दिल्ली में रह के कुछ कार्य करने के लिए दिल्ली में आते हैं कुछ कमाने के लिए, उसकी किस्म से जो जुड़ा गया एक महिला ग्रुप है, ये नुपी ग्रुप नाम दिया गया है। ये हम लोग भी आज यहाँ बैठे हैं कि कुछ चर्चा करें मणिपुर के आने वाले वक्त में हम लोगों की तरफ से और क्या मदद हो सकती है, और उस किस्म से बात करने के लिए बैठे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अपना जो NCERT के अंदर जितना भी जो हिस्ट्री है उल्टा सीधा हिस्ट्री दिया गया है उसको भी हम लोग किस किस्म से हम सब मिल के हम लोगों की तरफ से नुपी समाज की तरफ से क्या सहयोग हो सकती है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो ये बात, तो मैं ये जानना चाहूँगा जो यहाँ पे जो ग्रुप्स जो भी मणिपुर के जो भी ग्रुप्स रन कर रहे हैं तो इसमें स्टूडेंट जो मणिपुर से जो स्टूडेंट जा रहे हैं उन लोग के लिए क्या क्या हो रहा है? देखो स्टूडेंट तो एक कल की जनरेशन है हमारा, कल की भविष्य है स्टूडेंट। स्टूडेंट को लेके हम लोग क्या करने वाला है, क्या करना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा विषय है इसमें। इसमें एक हमारे जो नुपी समाज, नुपी एक ये एक वो माध्यम है पूरा समाज को कौन से किस्म से संतुलन से बना के रखना रखने के लिए नुपी का क्या रोल है। ये एक परिवार से लेके सोसाइटी से लेके एक माँ अपने बच्चों के लेके उस बच्चे को जो राम बनाना है रावल बनाना है ये भी नुपी के हाथ में होते हैं। नुपी मतलब माता, माता मतलब ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के
एक बहुत बड़ा रोल है इसको न्यूपी समाज के लिए। इसमें बहुत बड़ा एक किस्म से डिबेट हो सकती है, पूरा मणिपुर समाज इसमें डिबेट हो सकती है, चाहे सेंटर में डिबेट हो सकती है। न्यूपी की रोल क्या है, न्यूपी जब ठीक तरह से उनकी परवरिश बच्चों के लिए नहीं होती तो वो बच्चे भटक जाता है, वो क्या नहीं क्या करना क्या नहीं करना, तो वो राष्ट्र गलत भी हो सकता है। उस किस्म से आने वाले वक्त के लिए न्यूपी समाज के लिए खास स्पेशल टॉपिक भी होना चाहिए, पूरा मणिपुर समाज के अंदर हर चैनल के अंदर न्यूपी की रोल क्या है, और मणिपुर का एक किस्म से पूरा व्यवस्था इकोनॉमिक्स पूरा इमा मार्केट से होता है। इमा मार्केट जिस दिन बंद होता है तो कई घरों में खाना भी नहीं बनते, उनके रोजगार खत्म हो जाते हैं पूरा। तो उस किस्म से न्यूपी समाज के अंदर, मणिपुर के अंदर न्यूपी के रोल क्या है, मणिपुर समाज अपने आप में हमारा जो न्यूपी प्रधान समाज है, यहाँ आप यूपी बिहार में कई हरियाणा पंजाब और ये यहाँ राजस्थान में आप देखेंगे तो पुरुष समाज प्रधान है वहाँ, और मणिपुर के अंदर न्यूपी समाज प्रधान होने के नाता न्यूपी समाज प्रधान के अंदर न्यूपी की बात को कितना लोग सुनते हैं, कितना समझते हैं, कितना चर्चा में रखता है, ये मायने रखता है इस बात को। ओके, आखिरी सवाल में मैं ये जानना चाहूँगा जो मणिपुर में जो अभी हैं उन लोग के लिए आपके क्या संदेश है यहाँ से दिल्ली से? मणिपुर के लिए क्या है, तो मैं चाहती हूँ तो परमात्मा से मैं प्रार्थना करूँगी जल्दी से ये शांत हो जाए, और किसी की जाति की क्यों ना हो तो और मारपीट खत्म होके बाद में उतर के आना चाहिए, क्योंकि सभी लोग तकलीफ में है। NRC जल्दी लागू होना चाहिए। अभी जो हमारा जो एक पूरा अपना मणिपुर की व्यवस्था, संविधान वाली व्यवस्था को लेके अभी सब लोग बैठे थे वहाँ कंगला के आगे, कंगला में बैठी है, हमने देखा है यूट्यूब के माध्यम से हम यहाँ से, मगर उन लोगों ने पॉइंट जो रखा गया है वो सब ये बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि उस पॉइंट को चर्चा में लाना चाहिए, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको लागू कर लेना चाहिए, तब जाके मणिपुर शांति में रहेंगे। शुरुआत कहाँ से, कौन से पॉइंट से शुरू होना है वो तो सरकार के माध्यम से, सेंटर के माध्यम से होगा, मगर वो बहुत जायज़ वाली बात रखा गया है ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं राहुल पाठक, आप देख रहे थे TMB News।